कोनिचीबा पोकन फैंस, तुम्हारे स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं पोकेमन एम टू बी द पोकन मास्टर का एपिसोड नंबर 1 के बारे में। यप, कितने दिन से हम इंतजार कर रहे थे इसका और फाइनली अभी आता है भाई। मैंने इसको जापानीज टाइम के हिसाब से देखा था, 3:25 के करीब आता है आई गेस, जो की टोक्यो टीवी पे दिखाया जाता है। बट उसको स्ट्रीम करने के लिए तुमको भाई वीपीएन वगैरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स भाई जापान एक्सक्लूसिव है, तुम अपने कंट्री में तो देख नहीं सकते। बट फिर भी तुम्हारे भाई ने देख लिया, हालांकि हमको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, हमको 480p देखना पड़ा और उसका इंट्रो और आउट्रो मैं नहीं देख पाया, तो इस सब के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और अभी अगर तुम मुझसे पूछने वाले हो कि मैंने कहां से देखा, तो सिंपल सा आंसर है यूट्यूब। चलो ऑफिशियल तरीके से ना सही, बट पायरेसी वाले तरीके से तो देख लिया। बट इन सब टेक्निकल चीजों को मारो गोली, मैं ऐसा थोड़ा फ्लेक्स कर रहा था क्योंकि हाँ मैंने इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, मैं गया था देखने के लिए बट मैं अनसक्सेसफुल रहा देखने में, तो थोड़ा सा फ्लेक्स करना तो बनता है यार। और मेरा क्यूट से शक्ल पे ज्यादा ध्यान मत देना, सो के उठा था मैं। वेल मेन मुद्दे पे आते हैं, इस वीडियो में स्पॉइलर्स काफी कूट कूट के भर पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को पता है पोकेमन की ऑडियंस थोड़ा जापानीज डब में देखना नहीं प्रेफर करती, तो मैं ही तुमको थोड़ा स्टोरी बता दूंगा और उस हिसाब से। और जो लोग अभी हाई क्वालिटी का इंतजार कर रहे हैं ना, तुमको थोड़ा सुबह तक वेट करना पड़ेगा शायद से, ताकि तुमको 1080p में देखने को मिल जाए। बाकी तुमको पता ही है कहां से देखना है यार, जहां से आने में देखते हो वहां से देख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एस और पिकाचू को दिखाया जाता है, दोनों खुद में ही शैतानी करते हैं और उसको देख के भाई काफी मस्त फीलिंग आती है, लाइक वही पहले वाली फीलिंग। और वो सीन्स को फनी बनाना एक काफी अच्छा पॉइंट लगा मेरे को, लाइक पिकाचू जो फिर से अपना थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करके एस को थोड़ा परेशान करता है, भाई मजा आता है उसको देख के। हाँ यार, आखिरी समय में रुलाने से पहले थोड़ा खुशी कर दो। उसके बाद हमारे एस और पिकाचू चलते हैं हवा के डायरेक्शन में, जिधर हवा चल रही है हमारे एस और पिकाचू उधर ही जा रहे हैं, और जाते जाते उनको मिल जाता है गेस वोट, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए। नहीं, डायलॉग कॉपी करूं और पता नहीं कॉपीराइट डाल दे कुछ पे भी आ सकता है भाई। ये हमारी पुरानी नल्ली टीम रॉकेट, मैं कभी कभी सोचता हूँ ना यार, कुछ गंदा करवाओ ना टीम रॉकेट से, थोड़ा सा डार्क स्टोरी मैं बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा डार्क स्टोरी थोड़ा देखने को मिला ना एपिसोड में, तब तो भाई। बट वही है, थोड़ा किड्स के कैटेगरी में आता है, तो यू कैन से डैट। तो हमारी टीम रॉकेट हर बार की तरह पिकाचू को पकड़ लेती है, और गेस व्हाट, उसके बाद एस अपने दूसरे पोकेमॉन्स निकालता है। लाइक पोकेमॉन जर्नीज का लास्ट एपिसोड से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, आई गेस जितने भी एपिसोड तुमको देखने को मिलेंगे उसमें एस अपने पोकेमॉन्स को रोटेट करने वाला है। इस एपिसोड में तुमको एस का सैप्टाइल, डॉनफैन, नॉइवर्न और ब्यूजल देखने को, ब्यूजल बोलते हैं उसको, क्या नाम था उसका, फ्लुइडजल आई गेस, मैं उसका नाम ही भूल गया भाई, जो भी है तुम लोग तो हो ही कमेंट सेक्शन में सही करने के लिए। और इसमें मेरे को एक अच्छी चीज ये लगी कि इन्होंने सारे पोकेमॉन्स को थोड़ा स्पॉटलाइट दिया है, मतलब सारे कैरेक्टर्स पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश की, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सैप्टाइल को पूरे मैच में ऐसा इस्तेमाल करवा दिया और नॉइवर्न को कुछ यूज ही नहीं करवाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सारे पोकेमॉन्स को लाइक इक्वली तरीके से ही उसने यूज किया, इक्वली टाइम के लिए यूज किया है, तो वो चीज भी मेरे को अच्छी लगी। इसके बाद तुमको पता ही है क्या होने वाला है, टीम रॉकेट ब्लास्ट ऑफ अगेन। बट जाते जाते टीम रॉकेट एक इनविजिबल पोकेमॉन से टकरा गया, एंड गेस व्हाट, कौन सा पोकेमॉन हो सकता है वो, हमारा लैटियस। बट टीम रॉकेट के टकराने से लैटियस को चोट लग जाती है और गिर जाता है वो पानी में। एक चीज मैं बताऊं, पूरे एपिसोड को मैंने बिना सब के देखा है, मतलब मेरे को इतना पता नहीं है कि एस क्या बोल रहा था, बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही थी, तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे। अब लैटियस को गिरते हुए एस देख लेता है और एस जाता है उसको पानी में बचाने के लिए, मतलब जहां पे भी वो गिरा था उसको बचाने के लिए। एस लैटियस के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे हमको लैटियस का नेचर देखने को मिलता है, जो कि लाइक ज्यादातर पोकेमॉन का सेम कॉमन नेचर होता है, जो कि वो ह्यूमन से हीट करते हैं फॉर अ पर्सनल रीजन, या फिर कोई हो सकता है कोई इंसिडेंट हुआ हो उसके कारण। तो लैटियस बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई उसको टच भी करे, बट यू नो हमारे एस का प्योर सोल, अभी तुम वहां पर रहते तो तुम क्या सोचते है, ओ माय गॉड लैटियस वो भी जख्मी, तो इसको डैमेज देने की जरूरत क्या है, सीधा पोकल फेंको और पकड़ लो, यही सोचते ना, पक्का यही सोचते, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था भाई। मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि हम गंदे हैं कि एस बहुत भोला है, जो भी है बैक टू द टॉपिक। तो जब लैटियस अनकॉन्शियस रहता है, बेहोश रहता है, तो एस उसको दवाई करता है, मतलब उसकी मरम पट्टी करता है, उसको हील करता है बेसिकली। धीरे धीरे टाइम गुजर जाता है और रात हो जाती है, रात को हमारी टीम रॉकेट फिर से आ जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए, और वो देखते हैं कि वहां पे एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। हमारे लालची टीम रॉकेट का लालच और बढ़ जाता है, और यू नो व्हाट क्या होने वाला है, एक और गंदा वाहियात सा
मशीन। तो हमारी टीम रॉकेट उस मशीन का यूज करती है लैटियोस को पकड़ने के लिए, और गलती से नहीं एक्चुअली जानबूझ के एस फिर कूद जाता है लैटियोस के साथ उसको बचाने के लिए, और दोनों साथ में ही फंस जाते हैं। वो मेरे बोले एस थोड़े जान माल का ख्याल रखा करो। और इसी प्योर हार्ट को देख के लैटियोस की फीलिंग चेंज हो जाती है, जो वो ह्यूमन से नफरत करता था अब वो कुछ ह्यूमन से नफरत करता है और कुछ से फ्रेंडशिप रखना चाहता है। एट द एंड हमारे पिकाचू का थंडरबोल्ट दोनों को बचा लेता है और दोनों अपनी जर्नी पे हंसी खुशी चले जाते हैं। पता नहीं मैं एंड में क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था कि एस लैटियास को पकड़ लेगा। अरे यार एस कुछ तो पकड़ लो भाई, खुश कर दो हम लोगों को। तुम लोग लालच मत करो, जो हो गया वो हो गया, अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट वाला एपिसोड का भी रिव्यू चाहिए तो लाइक्स ज्यादा होने चाहिए, लाइक्स के नंबर बढ़ने चाहिए, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अगला एपिसोड का रिव्यू देखना है तुमको तो। और इन सबसे हट के अगर तुमको मेरा एनिमे रिव्यू देने का अंदाज ज्यादा अच्छा लगा तो तुम मेरे सेकंड चैनल डियर प्लीज को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सायोनारा।